सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक खबर प्रकाशित की गई है TV9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं इस मामले में क्या पूरा मामला है और इसको भेजा है उमा वाजपेयी बहन ने, जो खुद बहराइच जिले से ही आती हैं और ऐसे में अपने ही बहराइच जिले का एक मामला ऑल इंडिया पर प्रसारण के लिए भेजा है, जिसको TV9 भारत समाचार ने 9 अक्टूबर को कल अपने जो है अपने में जो है उन्होंने प्रकाशित किया था। अब आप सब यहां पर देख सकते हैं TV9 भारत समाचार ने आवाज उठाते हुए कहा है कि बहराइच में 1,33,000 बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इनका पोषाहार डकार गए जिम्मेदार। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बहराइच के 5 ब्लॉकों के आंगनबाड़ी केंद्रों का सितंबर माह का गायब है पोषाहार, जिसको लेकर के भारत समाचार ने यानी TV9 भारत समाचार ने बताया है कि जिम्मेदार चुप्पी साधे हैं। और ऐसे में ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जिलों में बहराइच जिला भी शामिल है और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं इस तरह का मामला बहराइच में सामने आया है। जिले से कुपोषण मिटाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे, गर्भवती, धात्री, इनको सुपोषित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पोषाहार योजना संचालित है, लेकिन बहराइच में योजना को भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। आकांक्षात्मक जनपद होने के बावजूद भी प्रति माह पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं पहुंच रहा है। हाल यह है कि जिले के 5 विकास खंडों का सितंबर माह का पोषाहार ही गायब है। जो पोषाहार गायब है उससे लगभग 1,33,000 बच्चे लाभान्वित होते हैं, लेकिन पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। शासन का सुपोषित प्रदेश का दावा भी तार तार हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं किस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। ये मामला TV9 भारत समाचार की ओर से प्रसारित है और ऐसे में ऑल इंडिया को हमारी बहन की तरफ से जो बहराइच से आती हैं भेजा गया है। समस्या के तौर पर और हम आपको बताते हैं क्या क्या है इस मामले में। तो यहां पर बताया गया कि बहराइच में 14 विकास खंड और 15 शहरी क्षेत्र स्थित हैं। इस आकांक्षात्मक जिले में 3,472 आंगनबाड़ी केंद्र भी स्थापित हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 6 साल तक के लगभग 4,00,000 बच्चे पंजीकृत हैं। वहीं 3 साल से जो है 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 1,00,000 जो है 34,000 है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती और धात्री महिलाएं भी पंजीकृत हैं। ग्रामीण अंचलों के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र पर कागजों में ही भले ही गर्भवती महिलाएं और बच्चों के सुपोषित होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। गांव में अधनंगे बच्चे कुपोषण की गिरफ्त में दिख जाएंगे। बहराइच में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को घुन लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां प्रति माह समीक्षा कर आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था की नब्ज टटोलते हैं, वहीं बहराइच में आंगनबाड़ी केंद्र पर आली ज्वेल का ढिंडोरा पीटने वाले जिम्मेदारों के नाक के नीचे पोषाहार में खेल खेला जा रहा है। आपको बता दें कि बहराइच में सितंबर माह में विकास खंड तेजवापुर, मेहरपुरवा, कैसरगंज समेत 5 विकास खंडों के आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार भेजा ही नहीं गया, जिसके चलते इन 5 ब्लॉकों में आंगनबाड़ी केंद्र पर नामांकित बच्चे और महिलाएं, इनको पोषाहार का वितरण ही नहीं हो सका। इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जो है मोबाइल रिसीव नहीं किया। ऐसा ऑल इंडिया का कोई दावा नहीं है, ये ऐसा हमारे TV9 भारत समाचार में जो आर्टिकल प्रकाशित है, जिसको आंगनबाड़ी बहन के जरिए से ऑल इंडिया को भेजा गया उमा बहन की तरफ से। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों की ऑल इंडिया पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतने बड़े मामले को अगर बड़े बड़े जो है टीवी चैनल भी अगर उठाते हैं तो ऐसे में उन पर संज्ञान लेना विभाग की जिम्मेदारी है और ऑल इंडिया का भी फर्ज है कि इस मामले को विभाग सरकार को वो अवगत कराएं और विभाग इन मामले में ध्यान दे और यहाँ पर एक जाँच करवाई जाए और जाँच के बाद जो भी चीज़ें सामने निकल के आती हैं तो निश्चित तौर पर एक उचित कार्रवाई भी जरूर की जाए। आगे लिखा गया है कि आपको बता दें कि बहराइच में सितंबर माह में विकास खंड, ये तो मैंने आपको अभी भी बताया, यहां से आप देखिए
अब सवाल यह उठता है कि आकांक्षात्मक जनपद होने के बावजूद इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है। 5 विकास खंडों के लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सितंबर माह का पोषाहार डकारने वाला जिम्मेदार आखिर कौन है? इस मामले में अधिकारी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या अधिकारियों का भी हिस्सा इस पोषाहार घोटाले में शामिल है? ऐसे कई सवाल हैं जो 5 विकास खंडों का सितंबर माह का पोषाहार गायब होने के बाद लोगों के जहन में उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है नहीं सुनते, जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस तरह से गुहारे भी लगाई जा रही। बहराइच के तेजवापुर और मेहरपुरवा ब्लॉक क्षेत्र के मनोज कुमार, राजेश, मीना, प्रभावती, संतोष, छाया, अंजनी समेत 150 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर बहराइच में प्रति माह पोषाहार वितरण में हो रही धांधली से अवगत कराया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि जिला मुख्यालय पर शिकायत करने पर जिम्मेदार अधिकारी शिकायत को अनसुना कर किनार जो है कर लेते हैं। सभी में इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाकर घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवाज उठाई है। शिकायतकर्ताओं ने कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन और आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो मामला थोड़ा संगीन है, विभाग प्रशासन ध्यान दे, कल को कोई ऐसी घटना सामने ना आए जिससे विभाग की छवि धूमिल हो। तो मामला समय रहते अगर विभाग इस पर संज्ञान लेगा और कार्रवाई जांच करवा ली जाएगी और फिर क्या ये भी चीजें स्थितियां कंफर्म हो जाएगी, आखिर वो महीने पोषाहार घोटाले का क्या राज रहा, क्यों नहीं पहुंचा 5 विकास खंडों में, और तो इन पे जांच करा ली जाए। और ये जो भी प्रदर्शनकर्ता है जो कह रहे हैं, काफी लोग हैं जो आने वाले समय में कह रहे हैं अगर जांच नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है तो फिर प्रदर्शन होगा, आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। खैर, उम्मीद यही है कि इस मामले में विभाग थोड़ा संज्ञान लेगा और जैसा कुछ हो स्थितियां स्पष्ट की जाएं, कार्रवाई इस मामले में बहुत ही जरूरी अपेक्षित है। वहीं आगे ले चलते हैं और आप सबको आज एक और जानकारी देते हैं। ये मामला थोड़ा हटके है लेकिन जानकारी बहुत ही काम की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद जो अमरोहा के हैं, उन्होंने एक लेटर निकाला है। मोनिका जी हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमरोहा में, उन्होंने 4 अक्टूबर को ये लेटर निकाला और ये लेटर भेजा है समस्त जो है आपके खंड शिक्षा अधिकारियों को। यानी मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है लेकिन इसको आप लोग नजरअंदाज ना करें। मामला क्या है, मामले की गंभीरता को बस आप ध्यानपूर्वक सोचें कि वो कहना क्या चाहते हैं और आखिर क्यों ये बोला गया। ये बहुत ही काम की बात है, मैं आप सबको समझा दूं। लिखा गया, विद्यालय परिसर में शिक्षक और शिक्षिकाएं, इनके द्वारा रील बनाए जाने के संबंध में, यानी आजकल ट्रेंड चल रहा है, अगर आप जो है कोई भी तरह से कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, काम करते हैं तो रील बना रहे हैं ड्यूटी के दौरान। यानी शिक्षक है तो स्कूल में रील बना रहे हैं बैठ करके, कहीं गाने की बनाएंगे, कोई अपना पढ़ाई का बना रहा, यानी रील बना रहे। अब रील बनाने के लिए सरकार आपको सेंटर पर नहीं भेजी है कि आप सेंटर पर जाएं और अपना कैमरा वो सब लेकर के और वहां मोबाइल से रील रिकॉर्ड करें। आपसे काम के एवज में जो फोटो वगैरह मांगी जाती है वो अलग मैटर है, लेकिन आप सोचें कि आप सोशल मीडिया वर्कर बन जाएंगे, कुछ काम करेंगे, चैनल बनाएंगे और फिर वहां पर क्या करेंगे, ये सब कर लेंगे। जैसे शिक्षक लोग इंस्टाग्राम आईडी बनाए, फेसबुक बनाए, व्हाट्सएप के लिए रील बना रहे हैं, फलाने फलाने ऐप के लिए रील बना रहे हैं, जा रहे हैं वहां पर रील बन रही है। इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। आगे इसमें क्या लिखा है सुनिए, संज्ञान में आया है कि शिक्षक और शिक्षिकाएं, इनके द्वारा विद्यालय समय में रील बनाई जाती हैं तथा सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं। विद्यालय समय में शिक्षक शिक्षिका इनके द्वारा रील बनाए जाने के कारण छात्र छात्राओं का जो शिक्षण कार्य है वो बाधित होता है, जो कि अध्यापक आचरण नियमावली का उल्लंघन है और कतिपय अध्यापकों के द्वारा विद्यालय परिसर में रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने में विभाग की छवि धूमिल हो रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप यह सुनिश्चित करें कि किसी भी शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा विद्यालय समय में या विद्यालय परिसर में रील ना बनाई जाए और ना ही सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाए। मोबाइल का प्रयोग केवल शिक्षण कार्य में ही किया जाए, उक्त का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यानी कुल मिलाकर के यहां पर एक बात कही गई है कि इसका जो प्रयोग करना है मोबाइल का
वो केवल आप शिक्षण कार्य में कर सकते हैं, जैसे बच्चों को कुछ पढ़ाना है, कुछ सर्च करना है, गूगल की मदद लेनी है, मोबाइल की एप्लीकेशन की तमाम ऐप बनाए गए हैं शिक्षण सामग्री से रिलेटेड, तो उन कामों में आप मोबाइल की हेल्प ले सकते हैं, ना कि आप रील बनाएं और उसको सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज वगैरह बटोरने के लिए या यूं कहें कि हाईलाइट होने के लिए, इस तरह का जो है नहीं करना है। ये मामले यहां पर संज्ञान में आए हैं। तो अब इसको कई लोग कई तरह से जोड़ेंगे, काफी बहनों के मन में संदेश होगा कि बच्चों को पढ़ा रही हैं और जो है पढ़ाई के साथ उनसे पूछ रही हैं और उस तरह की रील बनाते हैं, क्या उसमें कुछ होगा? तो भाई देखो, अभी कुछ ज्यादा स्पष्ट बातें निकल के नहीं आई हैं, तो आगे कुछ होगा, कोई और कड़ी कार्रवाइयां लेटर अगर आते हैं तो फिर देखा जाएगा इन मामलों में कैसी कहां पर क्या कार्रवाई हुई। लेकिन कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या है रील बनाने का, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हैं। यानी अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए हित में वहाँ पर टाइम दे रहे हैं कर रहे हैं, तो अलग बात है, कुछ सर्च कर रहे हैं वगैरह, मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि आप नाच रहे हैं, रील बना रहे हैं, गाने बजाने की बना रहे हैं और वहाँ अपलोड करें सोशल मीडिया पर, खूब नाम कमाएं, ये करें। जैसे आप देखते हैं काफ़ी जो आजकल ये ट्रेंड में हो गया है, कोई भी कर्मचारी हो, आप कोई भी विभाग में ले लो, पुलिस विभाग में ही ले लो, वहाँ पर भी खूब रीलें बनती हैं और ऐसे में जब वायरल हो जाती तो आप देखते होंगे कई बार कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है, इस तरह की घटनाएं आती हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें कर्मचारी नियमावली, जो आचरण नियमावली कुछ बोली जाती है, उसी के तहत ये पालन आप लोगों को कुछ करने हैं जिनके बारे में कुछ बातें निकल के आती हैं। मैंने ऑल इंडिया ने आप सबको इसलिए अवगत कराया ताकि कोई भी तरह की घटनाएं आगे सामने ना आए। गजला परवीन बिजनौर से हैं, उन्होंने अपने वहां से ये मैटर भेजा है, संकल्प शपथ मनाया गया है और विभाग की तरफ से, तो ये सब बातें निकल के आई, फोटो वीडियो। देखो, इनका और उनमें अंतर है, ये है केंद्रों से रिलेटेड विभागीय योजनाओं से रिलेटेड गतिविधियां और उनके लिए वीडियो बनाना, रील बनाना, फोटो खींचना और देना विभाग को, प्रचार प्रसार करना, वो अलग चीज है। लेकिन आप सोचो नाच गाने की रील बनाओ, आप ये करो वो करो सेंटर पर जाकर के, वो गलत श्रेणी में, उसमें कार्रवाई होगी, ना कि विभाग की तरफ से आने वाली योजनाओं में और उनमें बेहतरी के लिए जो आप यूज करते हैं उन चीजों का प्रचार प्रसार में, तो वो ठीक। गजला प्रवीण बिजनौर, ऐसा मेरा मानना है, बाकी कोई लिखित में पूरा आदेश और नहीं आया, जितना है आदेश में वहां पर वो मैंने आपको बता दिया। अब आप भी अपना जो है दिमाग सद्बुद्धि लगाएं और अपने हिसाब से सोचें क्या सही क्या गलत। रामोती जी आगरा से, उन्होंने फोटो भेजी है, मिथिले से बदायूं से उन्होंने ये क्ले मॉडलिंग किया है, मिट्टी के खिलौने टाइप के सब बनवाए हैं और ये एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ ये गजला परवीन बिजनौर से उन्होंने और भी एक फोटो भेजी थी और ये कृष्ण प्यारी है मथुरा से, उनके द्वारा भी एक ये फोटो भेजी गई है। साथ ही ये सूरजकली रायबरेली से, वहाँ से एक फोटो आई है और ये उमा है कानपुर देहात से, उनके वहाँ से भी फोटो आई है। शांति है जालौन से, इनके यहाँ से भी फोटो आई है। सविता है सहारनपुर से, यहाँ से भी फोटो आई है। सुधा है सिद्धार्थनगर से, इनके वहाँ से भी फोटो आई। और आज के इस वीडियो को यहीं तक रख